उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से बमबाजी की खबर सामने आई है। ये बमबाजी अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के घर के पास हुई है। वकील विजय मिश्रा के कर्नलगंज क्षेत्र के पुराना कटरा घर के पास कुछ युवक बम फेंक कर वहाँ से भाग निकले। घटना के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस बमबाजी को लेकर वकील दयाशंकर मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हम इतने स्प्लेंडर बम के फोरेंसिक वाले आए थे, कौन आए थे उठा कर सर, सर आप अतीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं अतीक को, अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहाँ आप रिप्रेजेंट करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता नहीं, आप कर रहे थे? हाँ मैं कर रहा था। तो आपको कुछ किस पे शक है, ये बुरा किसने इसको एग्जीक्यूट किया? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूँ जिसके लिए आतंकित करने के लिए डराने के लिए ये ड्रामा किया। ड्रामा कह रहा हूँ ये घर में। सर आपके सीसीटीवी में मेरी मेरी दो बहुएं थी, मेरी एक बेटी थी। सर थोड़ा सा हक सर सर ये बताइए। बता दें कि कुछ दिन पहले 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमलगंज इलाके में उमेश पाल पर भी बम और गोली से ही हमला किया गया था। इसी हमले में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की जान चली गई थी, साथ ही उसके दो सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। तब से ही अतीक अहमद लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ था। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने गुजरात के साबरमती और यूपी के बरेली जेल में इस हत्याकांड की साजिश रची। वहीं बीते दिनों अतीक और उसके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।